इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी यूपीएससी के लिए आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास जो बुक है करेंटली, जो मैंने फर्स्ट बुक परचेस किया था यूपीएससी का आर्ट एंड कल्चर का एक बुक परचेस किया था बाय नितिन सिंघानिया सर। बाद में जब पीवाईक्यू देखने के बाद पता चला कि ये बहुत बल्की बुक है, इसका इतना यूटिलाइजेशन नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक खरीदने से पहले आप पीवाईक्यू सिलेबस देखें कि कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप किताब खरीदें। पहले तो आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है कि कितना क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मेंस में आता है, तीन से चार क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर से प्रीलिम्स में। प्री में क्वेश्चन होता है वो थोड़ा करंट बेस्ड ज़्यादा होने लग गया है, जैसे कोई स्टैचू किसी का इनॉग्रेशन हुआ है तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। आपको ट्रेंड देखना है कि क्या रिपीटेड थीम्स है। फॉर एग्जाम्पल छोला आर्किटेक्चर, गंधारा आर्ट, संगम लिटरेचर, और भी जितने सारे लिटरेचर वो रिपीट हो रहा है, जैसे कभी संगम लिटरेचर पूछ लिया। आपको ये भी देखना है कि क्या नहीं आ रहा, मॉडर्न आर्किटेक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एंशियंट से ज़्यादा आता है, मिडिवल से थोड़ा टच करके क्वेश्चन आता है। आप क्लास, अगर आपके पास एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर का क्लास 11 का, आप वो सीधा कर सकते हैं। आपको नितिन सिंघानिया का बुक देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या फिर नितिन सिंघानिया सर का बुक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 का मेरे को सिर्फ फोक आर्ट इंपॉर्टेंट लगता है। चैप्टर नंबर 14 इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देन चैप्टर नंबर 26 है फॉरेन ट्रैवलर्स। एंड देन अपेंडिक्स 2 है जो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के ऊपर। नितिन सिंघानिया टेक्स्ट में से बस ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एक अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है। That's all for this video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Bye.